हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हुरेन कटोरा और फिर से मैं आ गई हूँ एक टीम के साथ में, जो आज होने वाली है गेम कैसे एमपीएल फंटासी टीम से कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे फंटासी टीम बनाए जाते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जिसके बीच में होने वाली है, अभी मैं आपको उसका लोगो दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके लोगो है लखनऊ और बेंगलोर का। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब से 9 घंटा 35 मिनट बाकी है इस गेम को होने के लिए। तो चलिए फिर इसको हम क्लिक करते हैं। और जैसे मैं इसको क्लिक कर दी, यहाँ पे दूसरा पेज खुल गया जहाँ लिखा है ऐड टीम। अब ऐड टीम को ही क्लिक करनी है। ऐड टीम को खुलने के बाद में दूसरा टीम खुल के आ गया, पेज खुल के आ गया, जहाँ पर आप देखोगे लखनऊ का लोगो। और यहाँ पे आप देखोगे लखनऊ का लोगो और बेंगलोर का लोगो। जस्ट बीच में क्रेडिट दी गई 100 की, उसके नीचे देखिए विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। तो दोस्तों, हमें 1100 जो लिखा है क्रेडिट लेव 100, इसी के अंदर ही बनाने हैं 11 टीम। तो अपना दिमाग अनुसार आप टीम बनाना, जो भी मैं टीम बनाऊँगी अगर उसको देख के अच्छे से टीम बनाना, ध्यान लगा के टीम बनाना। तो चलिए, इस आप बिना स्किप किए फिर पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत ही ख़ास मज़ेदार लेकर आती हूँ। इसके सारे डिटेल्स भी मैं यहाँ बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिटेल्स जानना कि कहाँ हो रही है, कब हो रही है। अगर नहीं जानोगे तो टीम बनाने कब गेम हो रही है आपको पता भी नहीं चलेगा। टीम बनाना है तो सारे चीज़ जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर इसका हम डिटेल्स बताते हैं। तो ये होने वाली है ट्यूसडे, यानी कि 19 अप्रैल को होगी ये। और इसकी टाइमिंग है 7:30 PM शाम के वक्त। और ये DY पाटिल में स्टेडियम में खेली जाएगी ये मैच। और इसकी पिच बहुत ही अच्छी पिच है, बहुत ही मस्त पिच है। और वेदर की बात की जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है, बहुत ही साफ वेदर है। तो ये रही थोड़ी बहुत जानकारी। अब आगे बताते हैं, लखनऊ सुपर जेंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे के साथ कितने बार खेले हैं, यानी हिट टू हिट दोनों के बीच कितने बार ये दोनों एक दूसरे पॉइंट बनाए हैं। तो आपको शायद पता है कि नहीं पता है, तो नहीं पता है तो आप सुन लीजिए कि दोनों चैनल न्यू हैं, मतलब दोनों टीम न्यू हैं। एक बार भी ये दोनों एक दूसरे के साथ खेले नहीं हैं, एक दूसरे के न्यू हैं, यानी कि दोनों एक बार भी खेले नहीं हैं, 0 पॉइंट है। तो दोनों के खाते में अभी तक कोई भी खाता खुला नहीं है। तो आज खुलेगा, आज 7:30 बजे आप ज़रूर देखना इस टेस्ट गेम का टेलीकास्ट। घर बैठे आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट एंड डिज्नी प्लस में, इसका आनंद उठा सकते हो। और कौन जीतेगा, कौन अपने खाता में फर्स्ट जीत का मतलब खाता खोलेगा, वो आज दिखेगा। तो आज ज़रूर देखना, आप मिस मत करना इस गेम को। तो चलिए, हम विकेट कीपर और बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ विकेट कीपर दिख रहा है, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। तो हमें ऐसे ही ध्यान लगा के बनाना है। विकेट कीपर हमें बहुत ही ध्यान रख के बनानी है, बैट्समैन भी, ऑलराउंडर भी। यहाँ सारे खिलाड़ी के नाम भी रहेंगे, यहाँ क्रेडिट्स भी दिए गए हैं, पॉइंट भी दिए गए हैं, यहाँ क्रेडिट्स भी दिए गए, सारे देखते हुए हमें इसका टीम बनानी है। तो चलिए फिर विकेट कीपर बनाते हैं। तो विकेट कीपर मैं यहाँ पे KL राहुल को लेती हूँ। और आप KL राहुल का जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा है, 357 पॉइंट दिखा रहे हैं, क्रेडिट 10 है, तो इसको लेना ज़रूरी है। और एक कीटन डे कोक को भी लूँगी, क्योंकि इसका भी पॉइंट ज़्यादा है, 345, और क्रेडिट इसकी भी 9.5 है, तो मैं इसको ले ली हूँ। आगे चलते हैं बैट्समैन में। तो बैट्समैन में जैसे आएंगे या स्क्रॉल करेंगे, सारे खिलाड़ी के नाम आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं विराट कोहली को लूँगी, इसका भी पॉइंट 200 है और क्रेडिट 9.5 दिए गए हैं, तो इसको ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे मनीष पांडे को लेती हूँ, मनीष पांडे का भी अच्छा है। और इसको मैं स्क्रॉल करते हुए देख रही हूँ कि कोई नाम और है, या फड्डू प्लेस को लेती हूँ मैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। तो ऑलराउंडर जैसे हैं, यहाँ भी स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ सारे खिलाड़ी के नाम आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ मैं ग्लेन मैक्सवेल को लेती हूँ क्योंकि इसका पॉइंट भी 152 है और इसका क्रेडिट 9.5 दिए गए हैं। और फिर मैं यहाँ जॉनसन होल्डर को लेती हूँ, इसका भी क्रेडिट बहुत अच्छा है, इसका भी क्रेडिट 8.5 है और इसका पॉइंट है 204। तो ये दोनों को ले ली हूँ। आगे बढ़ते हैं बॉलर की तरफ, बॉलर को भी स्क्रॉल करते जाइए, यहाँ सारे खिलाड़ी के नाम आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे बॉलर मैं हर्षद पटेल को लेती हूँ, इसका भी देख लीजिए, इसका भी पॉइंट बहुत अच्छे हैं। और फिर यहाँ पे वरेंडो हसरंगा को लेती हूँ, वरेंडो हसरंगा को। और फिर मैं यहाँ पे अवेश खान, अवेश खान का भी अच्छा खासा क्रेडिट दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अवेश खान को लेती हूँ। और फिर मैं और एक लूँगी, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जाऊँगी, तो यहाँ पे जोस होजलीहुड लिखा है, इसको मैं लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा टीम बन के रेडी है, आपको मैं टीम दिखाती हूँ। यहाँ पे लखनऊ का और बेंगलोर का, लखनऊ में 5 ली हूँ और बेंगलोर से 6 ली हूँ, यहाँ क्रेडिट मेरा 0 दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ प्रीव्यू को क्लिक करती हूँ, तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट कर दी तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन का लोगो। यहाँ पे टू कैप्टन में 2 पॉइंट मिल रहे हैं और वाइस कैप्टन में 1.5 गुना पॉइंट मिल रहे हैं। तो कैप्टन अगर अच्छा चूज़ किए तो हमें अच्छा खासा पॉइंट मिलेगा 2 पॉइंट, और वाइस कैप्टन अच्छा चूज़ किए तो हमें 1.5 गुना पॉइंट मिलेगा। तो चलिए कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज़ करते हैं। तो कैप्टन में यहाँ पर लूँगी, कैप्टन में लूँगी जॉनसन होंडल को लूँगी, और वाइस कैप्टन में लूँगी ग्लेन मैक्सवेल को लूँगी। तो चलिए फिर मेरा सॉरी ग्लेन मैक्सवेल वाइस कैप्टन और जॉनसन होंडल कैप्टन। तो यहाँ मेरा बन गया है, यहाँ सेव करती हूँ। जैसे मैं सेव कर दी तो यहाँ दूसरा पेज खुल के आए, एडिट टीम्स, एडिट टीम्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे टीम वन है, टीम वन को क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा टीम बन के रेडी है, आपको दिख रहा है कि मैं टीम बनाई हूँ। बहुत ही इसमें मैं जो जो ली थी, विकेट कीपर से मैं 2 ली हूँ टीम, और मैं बैट्समैन में 3 ली हूँ, ऑलराउंडर से 2 ली हूँ, और बॉलर से मैं 4 ली हूँ। यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों दिखेंगे। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल पर अगर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ दोस्त बनाना। अगर इस वीडियो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगी, आप वहां जाके पूछ सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।